जाओ, दिल ये संभल जाए। कैसे तुम्हें रोका करूं? I don't know how to begin with. I don't know what to say. But I feel that before we begin our new journey as husband and wife, the most important thing that he needs to know is that the reason that I started falling for him was his nature, his loving nature towards me and gradually also towards my family. And the second thing that he needs to know is that I actually recognize his loving heart for not only for me but for each and every relationship that he's been maintaining since all these years. मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है? बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे अभी। कांग्रेचुलेशंस रोहित एंड त्रिशा। रोहित से पहली बार मिला मैं 2010 में, तब दोस्ती थी ठीक ठाक, लेकिन त्रिशा के मन में मेरे बारे में इमेज था कि दुनिया का सबसे खराब लड़का शिवाय, ठीक है। फोन में बात होना था त्रिशा से एक दो बार, बोल रहे कि तुम उससे मिला मत करो तो तुम बहुत खराब है। क्या हुआ पता नहीं था। बाद में जिस दिन हम लोग पहले मोहम्मद त्रिशा मिले ना, तब पता चला कि क्या रीजन से मेरे से कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मतलब आज रात को बाप घर नहीं जाएगा या फिर उससे नहीं मिलेगा तो उसका रीजन क्या, कहीं पे और जाना है, कहीं पे पार्टी और है, वहाँ पे अटेंड करना है, किसी का शिवाय। तब पता चला रीजन क्या है खराब होने का। हाँ, तो ऐसे हम लोग मिले त्रिशा से, ठीक है। उसके बाद रोहित का आदत एक खराब है मेरे हिसाब से कि ओवरड्यू बहुत कर देता है क्रेडिट कार्ड का। ना क्लियर होता है फिर पापा से मंगवा के। अभी भी खर्चा उसका ज्यादा ही है मेरे को लग रहा है। और त्रिशा डांस करना बहुत पसंद करती है लेकिन कर नहीं पाई है। ये भी है, कभी और एक साथ डांस कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो कांग्रेचुलेशन।
इनके बारे में, दे जस्ट बोथ मेड फॉर ईच अदर. त्रिशा एंड रोहित आर मोर देन नाउ फ्रेंड्स टू अस. रोहित इज अवर बाबा एंड त्रिशा इज अवर सिस्टर. द मोस्ट अवेटेड डे हैज फाइनली कम. इट्स टुडे. टुडे वी आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड इट्स द मोस्ट स्पेशल डे फॉर द सेवंथ चैप्टर. यस. हिप हिप हुर्रे. हिप हिप. और ऐसा करके इनके वेडिंग के लिए लाइक वी ऑल सो एक्साइटेड. हम दो तीन महीने पहले से प्लान कर रहे थे हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू वेयर, हाउ टू कम लेकिन दैट. तो वी ऑल वर इन्वॉल्वड इन दिस होल यू नो इवेंट एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम, स्पेशली टू सी देम टुगेदर आल्सो देयर लाइफ. मैं क्रिस्टीन है, मतलब मैं सोच रहा हूँ इनके बारे में क्योंकि मतलब इतनी कम टाइम पे मैं इतना क्लोज हो गया इन दोनों के कि सोच ही नहीं पाए. तो मतलब मेरे पास सोचने के लिए टाइम, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना क्लोज आ गया हूँ. इन दोनों को मैंने मिलवाया था इस पूरे ग्रुप से और मुझे खुद नहीं पता था कि ये दोनों इतनी जल्दी घुल मिल के इतनी जल्दी क्लोज हो जाएंगे. तो अच्छे हैं कि इसकी वजह से हम लोग आप तक पहुँचे. हम लोग को इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले लाइफ में. मेरी खुद कभी किसी से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं होती, बट इतनी जल्दी जो अभी दोस्ती हो चुकी है ना, जितनी आगे बढ़ चुकी है, आई डोंट थिंक कि पहले कभी मेरी किसी और से बढ़ी है. अलग ये दो मेरे दोस्त हैं. अब इन दोनों को भी मैं, बाकी सबको भी, ये सब भी बैठे हुए हैं. वी एवरीबडी हेयर राइट नाउ इज अ फैंटास्टिक ग्रुप एंड मैं वी आर अ फैमिली मोर ओवर. वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड्स, वी आर अ फैमिली. तो जैसे ही कहता है ना मेरा दोस्त की ही इज जस्ट अ कॉल अवे, तो एवरीबडी फॉर ईच अदर वी आर जस्ट अ कॉल अवे. डजंट मैटर कि मैरिज हो के कोई कहाँ है कोई कहाँ है, बट we all have to together hope our any day. group gets bigger and bigger bigger and bigger hamara but hum saath hamesha saath rahe god se give re bigger ho jaye na lekin acha ho bas aise isi tarike se darish hota rahe ki kabhi aage jaake life mein saath karenge ki life mein kabhi aage jaake jab 10 saal ke baad soche thi ki aaj ke hamare bhi friends the hum bhi apne bachcho ko kuch dikha sake kuch bhi humne bhi good cheez ha jo bhi hai bahut acha laga. And I love you, Trisha. I love you, Rohit. You're my happy. अच्छा बेटा change हो गया. Yes. Wish you a very happy married life, Trisha and Rohit. God bless you. Love you both. Love you both and love you both. Hamesha खुश रहो. God bless you. God bless you. Cheers. Cheers. Cheers for life. Trisha, you know, I was always fond of her genuine nature and she was and her love for me. She has always expressed her feelings the way she wanted to me and the way she wanted me to understand it. Though I sometimes took it other way around, but I was always very fond of her genuine nature and also her love for food. As I'm a foodie, I wanted a girl in my life who could accompany me wherever I go and whatever food I wanted to taste, and I wanted the woman in front of me to share the same and in equal quantity as well. डोली लेके आना नी
का राजकुमार आ रहा है। वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है। शुभ मंगल सावधान। Trisha Didi has not just been my sister throughout, she's been my confidant, she is my best friend, my mentor, my guide, someone who has been very, very, very important to me throughout. I don't know kaise, I don't know how I'm going to stay without her. There's so much to say about every memory is so precious. From playing together. From childhood till today. From childhood till today. She has been with me, for me, throughout the 21 years of my life. So from putting the mitti on my face because we were pretending that mamma ka puja ho raha hai, to playing cricket together. जिसमें सिर्फ वही बैटिंग कर रही होती थी एंड फ्रॉम ड्रॉपिंग हर ऑफ टू द बस स्टॉप व्हेन शी यूज्ड टू गो टू स्कूल टू टिल शी वेंट टू द बैंक या टिल शी वेंट टू द बैंक ऑब्वियसली इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी ऑब्वियसली सो देयर इज अ लॉट टू से अबाउट फ्रॉम हैविंग फूड टुगेदर फ्रॉम कुकिंग फूड गोइंग टू योर प्लेसेस टू हैव फूड एंड टॉकिंग ओनली अबाउट फूड saving her from parents when she used to go out with her would-be husband. Thank you. Getting saved by her when I was going out with my friends. So, we wish you a very happy married life together. May you achieve all you want to, the both of you. I'm sure you are the best that could happen to each other. And All the best. God bless and be happy. इश्क की धुन रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए मन